ताऊ जी, ये देखो ना, बेचारी विदेश की गरीब लड़की है। आज रात के डांस के लिए बेचारी ने बहुत मेहनत की है, कलाकार है, और अगर कलाकार को हम ऐसे भेज देंगे ना तो कला का अपमान होगा ना इसकी। ताऊ जी, मैं तो भूलूंगा कि इस बेचारी के खातिर इसको आज रात को यहाँ नाचने दीजिए। हाँ ताऊ जी, ये बहुत गरीब से, जब जितेश ने मन ने बताया तो इसलिए मैंने हाथ करे। ठीक सर। कौन है वहां? दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन खातिर किड़दा खातिर किड़दा किड़दा तनक दिन दिन तनक दिन किड़दा 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 ता 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 मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे सब मौज मना रहे से, पर बाबूजी तो ना से। हे भगवान, जल्दी जल्दी सब ठीक कर दो ताकि बाबूजी घर वापस आ जाए। ये बातें बड़ो शाहरुख को देख के तुझे लाखा जी की याद तो ना आ रही ना? हम ऐसी का हे भगवान, जल्दी जल्दी सब ठीक कर दो ताकि बाबूजी घर वापस आ जाए। कमला भाभी, हम सब मिलकर ऐसे पहली बार सिनेमा देख रहे से, घना अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा मजा तो वो लोग कर रहे होंगे नीचे पार्टी में। ए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे होंगे? शराब पी के एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे होंगे। कुछ ना उनके बस की। अरे प्रज्ञा, छोड़ो ना यो सब, इभी तो तुम शाहरुख भाई की फिल्म के मजे लो बस। आए पायल, तना घनी ऐसी आ रही है ना? माजी, मारा मारे गले में खराश है। वैसे माजी, इब आपकी जवानी दिल्ली का है, इब तो आप दो चार ठुमके लगा दोगी ना तो सबका प्रोत्साहन बढ़ जाएगा। और वैसे भी आजकल की छोरियों में कहाँ दम है जो आपके कमर का मुकाबला कर ले। बिल्कुल सही कह रही हो पायल, कमला बहन जैसे ठुमके आजकल की छोरियां ना लगा सकती। क्यों कमला बहन? अबे पायल, चर्चे तो तेरे भी मैंने घने ही सुने हैं, बिहार जागरण में तू घने जोर के ठुमके लगावे। गजरा रे, गजरा रे, तेरे कारे का।
सब देखने ते पहले डूब के क्यों ना मर गया तम? ना ना मैं, तू शांत हो जा भगवान, जो तू समझ रही से ना वैसा कुछ ना से। अभी मैं समझ लेने को कह रहा है क्या? अपनी बेटी की उम्र की छोरी ना गोद में खिला रहे हो, सिर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं और पांव लटक रहे कब्र में और गोद में छोरी खिला रहे हो? हाँ जो भी किया धरा से ना वो सब मारा से, इनमें इन सब की कोई गलती ना से देख ले, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। तेरे कान पे हिस्सा रैपट मारूंगी, वहां पड़ेगा जा कहां गिर देगा, आई बात समझ में? रे अपने बड़े भाइयों को बचाने के खातिर ये छोरे भी झूठ बोलने लगे कतई सफेद। ना माजी ना, लकी भाई की कसम मैं आज झूठ ना बोल रहा, ये तो लकी भाई ने बोला था कि अगर तू नचनिया लेके आएगा तो मैं खुल के नाचूंगा। वो मेरी बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। एक बार मरने पता लग जाए कि वो लोग कौन थे, उनका वो हाल करूंगा वो पूरी जिंदगी ना अपनी जिंदगी कोसेंगे। मारे को तो लगता है कि ये जालिम सिंह और प्रधान सिंह की कोई चाल है, क्योंकि उनके अलावा तो ये सब करने की किसी और की हिम्मत ना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, चल आज दिखाई देते हैं। चलो भाई लकी जी, यो सब किसे हुआ मरने पता से? वो हमारे बकरियावाल के घर पे गुंडों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, तो मन ने बाबूजी को बताया और वो भाग गए थे उनसे बात करने। रे तू पावली हो गई है, तेरे में दिमाग ना से, अकेला भेज दिया उन्हें। इसने वो हाल किया ना हमारे बाबूजी, मैं उन्हें जिंदा ना छोड़ूंगा, खून की आंसू लाऊंगा, खून की आंसू। हर को पक्का पता है कि इसके पीछे ना प्रधान सिंह का हाथ है। ढूंढते हैं साले को। आप चिंता ना करो, मैं प्रधान सिंह को ना चिंता ना छोड़ो। हे भगवान, यो मेरे बाबूजी के संग ये हो गया, भोलेनाथ बाबूजी का ध्यान रखना, उनके सारे दर्द अब मन्ने दे दो, पर उनको कुछ मत करना।